प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो गाजर का हलवा है, जो कि सर्दियों में हम अपने घर में बनाते हैं और बहुत शौक से खाया जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर गाजर के हलवे के लिए मैंने यहाँ पर 3 किलो गाजरें ली हैं, जिनको पहले अच्छे से हमने अच्छे तरीके से छील लेना है और उसके बाद उनको वॉश कर लेना है और उसके बाद फिर इसको कश करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और मैं लोग लग गए थे काम करने के लिए। यहाँ पर हमें पहले गाजरों को अच्छे तरीके से छील लेना है। मम्मी यहाँ पे गाजरें ठीक छील रही थी, साफ कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं चाय बना लूँ मम्मा के लिए, क्योंकि चाय के साथ बहुत एनर्जी आ जाती है और काम भी इतना सारा करना था तो चाय पी के फ़ौरन से फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय तैयार करने चली गई थी। मम्मा मेरी गाजरों को कश कर रही थी। हमारे घर में जो गाजर का हलवा बनता है वो हमारी अपनी रेसिपी है, लोग बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन टेस्ट में सबका, जाहिर सी बात है, मेहनत इसमें होती तो सबका अच्छा ही टेस्ट आता है, लेकिन हमारे घर में इस तरीके से हम गाजर का हलवा बनाते हैं। यहाँ पे हमारी चाय भी तैयार हो गई थी और मैं लेकर आ गई थी। मम्मा से मैं कह रही थी कि मम्मा जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मुझे नमाज भी पढ़नी थी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम दोनों ने फिर डन इसको कर ही लिया था। यहाँ पे हम दोनों ने, मम्मा ने मैंने मिलके अच्छे तरीके से गाजरें कश कर ली थी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से कश हो गई, काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन फिर कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, तो ये बनता भी उतना टेस्टी है इसमें जितनी मेहनत होती है। तो यहाँ पे हमारी गाजरें जब अच्छे से कश हो गई थी, तो फिर हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया था पकने के लिए। सबसे पहले पकाने का तरीका ये है, जो हमारे घर की रेसिपी है, सबसे पहले हम गाजरों का पानी खुश्क कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इसको तब तक पका रहे हैं जब तक इसका अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं आप, मैं इसको चला रही हूँ, तो अभी इसमें अच्छा खासा गाजरों का जो पानी है उसे हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। सबसे पहले यही करेंगे, जैसी गाजर हमारी जब ड्राई होने लगेंगी, थोड़ी खुश होने लगेंगी, अच्छा इससे इसका कलर जो है वो रेड रहता है, गाजरों का कलर ख़राब नहीं होता, इसलिए इसको सबसे पहले इसका जो अंदर का पानी है मॉइस्चर वो हमें खुश करना पड़ता है। सबसे पहले इसको इसलिए पका दें ताकि इसका जो कलर है ना वो बरकरार रहे, गाजरों का कलर ख़राब नहीं होता इस तरह। यहाँ पे अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक इसे ढक के हम पकाएंगे, ताकि और अच्छे तरीके से इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर चीनी जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जो चीनी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। मैं यहाँ पे 2 जो बड़े कप हैं
जो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाली है और दो बड़े भर के कप डाले। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी शुगर है वो शामिल कर सकते हैं, जिस तरह का मीठा आपको कम रखना है या ज़्यादा रखना है उसके हिसाब से आप इसके अंदर शुगर शामिल कर सकते हैं। मैं हमारे घर में जो मीठा है वो नॉर्मली खाया जाता है, ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर शुगर शामिल की है। अब इसमें चीनी डाल के इसको भी हम अब इतना पकाएंगे कि जो हमारी शुगर है और जो गाजर है वो आपस में मिल के अच्छे से पक जाए और दोनों का ही पानी, अब देखिए यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं तो चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो हमने यहाँ पे इस स्टेज पे इसको मज़ीद पकाना है ताकि जो चीनी का पानी है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए, खुश्क हो जाए। इसके बाद फिर इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल में इसमें 2 कप के करीब ऑयल है, वो भी मैंने इसमें अपने हलवे की जितनी इसमें क्वांटिटी थी उसके हिसाब से मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको इतना पकाना है कि हमारा जो हलवा है वो ऑयल छोड़ दे, इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। और इसी ऑयल के साथ मैंने इसके अंदर 6 से 7 जो इलायची है वो अच्छे तरीके से पीस ली थी और वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। इलायची से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है हलवे में और हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। अब इसको यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ और तब तक इसको मैं भूनूंगी जब तक ये ऑयल छोड़ दे। और आप देख सकते हैं हलवा बिल्कुल अपनी फॉर्म में आ चुका है और बिल्कुल भी इसमें गाजरों का या चीनी का कोई भी पानी नहीं है, अच्छे तरीके से ये खुश्क हो चुका है और इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भुनाई पर आ गया है हलवा और यहाँ पे इसने अच्छे तरीके से ड्राई भी हो गया है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं खोया जो है ताज़ा वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। खोया आपने बिल्कुल ताज़ा लेना है, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए क्योंकि उससे हलवे का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। बहुत से लोग दूध शामिल करते हैं लेकिन मैं अपनी रेसिपी में दूध नहीं शामिल करती, मैं खोया शामिल करती हूँ क्योंकि खोए से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर खोए को भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी मैं। फ्लेम आप बिल्कुल लाइट कम कर दें ताकि हलवा जो है वो लगे नहीं और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे खोया शामिल करने के बाद ताकि हमारा खोया भी नहीं जले और इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। लीजिए ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मैंने जो मिठाई है चमचम वो इसकी डेकोरेशन में यूज़ की है और मैंने इसके अंदर मावा जो था आधा मैंने बचा के रखा था वो मैंने इसके ऊपर इसमें इसे प्रेजेंटेशन के लिए रखा था। और मुकम्मल डन हो चुका है हमारा हलवा और जिस तरह ही डेकोरेशन में प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, इस तरह इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, डिलीशियस है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा।